हेलो एवरीवन, आज मैं आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट कलेक्शन वाली स्मार्ट गैजेट्स, किचनवेयर, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। और लड़कियों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैंने गैजेट्स दिखाए हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स पर मिल जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स पर तो 85% ऑफर है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको रोज मिले। पहला प्रोडक्ट है एसी कवर। एसी कवर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर मिल जाएगा एंड इसके साइज़ भी आपको मिल जाएंगे। एक ही डिज़ाइन में आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जिससे आपकी एसी भी नहीं गंदी होती है और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव भी लगती है। यहाँ मैं आपको हेयर पिन दिखा रही हूँ। गर्मियों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बाल आगे आ जाते हैं मत्थे पे या फिर कंधे पे, सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अपने बाल में कस के फंसा लेना है, काफ़ी अच्छा होता है, हल्का सा होता है, जो कि आपको 99 रुपीज़ के अंडर में मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप जो नेक के पीछे वाले जो बाल आ जाते हैं नेक पे, उसे भी आप काफ़ी अच्छे से लगा के फंसा के इसमें लगा सकते हो। एयरपिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। टीवी कवर आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी बढ़िया सा, इसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर कर्टेंस होते हैं जो कि आप ले सकते हो टीवी को कवर करने के लिए। गंदगी भी नहीं जाती है और देखने में तो अच्छा लगता ही है और बाकी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखा रही हूँ, फोल्डिंग वॉशिंग मशीन है। इसमें आपको बकेट दी होती है, बकेट टाइप की है जिससे आप अपने कपड़ों को धुल सकते हो। यहाँ तक कि स्ट्रेनर भी है, अगर आपको कपड़े इससे सुखाने हैं ना तो आप इसे सुखा भी सकते हो। 3-in-1 का काम करता है, काफ़ी अच्छे ऑफर्स के साथ है। कैन ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाएगा रेफ्रिजरेटर में लगाने के लिए, कैन ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ तक कि आप पेप्सी वगैरह की भी इसमें बॉटल्स रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको अच्छे प्राइस में मिल जा रहा है। मल्टी लेयर का वेजिटेबल प्लेट दिखा रही हूँ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप इसमें 6 लेयर की प्लेट लगा सकते हो, यहाँ तक कि आप टेबल वेयर पे भी रख सकते हो। और अगर आपको वॉल पे चिपका के टांगना है तो आप टांग भी सकते हो, जो कि आपको प्लास्टिक में मिल जाएगा और कई सारे लेयर्स में काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। डीप फ्राइंग स्टेनर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, फ्लेक्सिबल अटैचेबल होता है, जिससे आप कुछ भी फ्राई कर रहे हो, फ्राई राइस है, पकौड़े वगैरह, या फिर आपको और भी कुछ चिप्स वगैरह फ्राई करना है, तो आप इसमें डाल के खूब सारा एक ही साथ में फ्राई कर सकते हो। मोमोज वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो कि आपको कम प्राइस में मिल जा रहा है। ऑयल बॉटल विद ब्रश दिखा रही हूँ, जो कि आपको सिलिकॉन का ब्रश मिल जाएगा, इससे आप ना ऑयल को काफ़ी अच्छे से प्योरीफायर कर सकते हो। यहाँ तक कि आप पैन वगैरह में भी इसका लगाने का यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको सिंगल भी मिल जाएगा, आप सेट में लेना चाहें तो आप सेट में भी ले सकते हैं। प्लास्टिक स्पिनर दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया सा, सलाद वगैरह के लिए आप वेजिटेबल्स धुल सकते हो, फ्रूट धुल सकते हो, छोटे बड़े हर आपको यहाँ पे फ्रूट धुलने के लिए स्पिनर मिल जाएगा। और गंदगी ना नीचे वाले टब में निकल आती है, जो कि आपको दो टाइप के मिल रहे हैं। नाइफ़ होल्डर दिखा रही हूँ, रोटेटेबल नाइफ होल्डर है, जो कि आप इसमें नाइफ़ है, स्पून है, कैंची वगैरह, काफ़ी अच्छे से खूब सारी चीज़ें लगा सकते हो। मल्टीपर्पज़ होता है, यहाँ पर आप क्लिप बोर्ड भी लगा सकते हो, चॉपिंग बोर्ड भी बीच में लगा सकते हो, उसका भी स्पेस है। वेजिटेबल स्टोरेज बॉक्स बैग दिखा रही हूँ, नेट बैग होती हैं जिसमें आप अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज वगैरह काफ़ी अच्छे से रख सकते हो। और ये वॉल हैंगिंग होती है, जो कि आप इसे वॉल पे टांग भी सकते हो, आपको काफ़ी कलर्स में मिल जाएंगी। पिकल जार सेट दिखा रही हूँ, सीजनिंग बॉक्स भी इसे बोलते हैं, जो कि आपको 186 रुपीज़ का मिल जाएगा और इसके कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक ही साथ आप 3 बॉक्सेस में अलग अलग तरीके की स्पाइसेस और सॉल्ट वगैरह रख सकते हैं। कॉर्न पीलर आपको 227 रुपीज़ का मिल जाएगा, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। इससे कॉर्न वगैरह के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो आराम से आप निकाल सकते हो। नेक फ़ैन आपको मिल जाएगा, ये 499 रुपये का आपको मिलेगा और इससे कम भी आप प्राइस में ले सकते हो, काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। हैंड फ्री ये फ़ैन होता है, जो कि आप अपने नेक में फंसा के आराम से लगा सकते हो और गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, जो कि मैंने दिखाया है और ना इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा गए, ये आपको ऑफर्स पे भी मिल जाएगा। नॉब होल्डर दिखा रही हूँ, 154 रुपीज़ का आपको मिलेगा, प्लास्टिक का होता है, आप इसमें नॉब वगैरह के जो ढक्कन होते हैं, पॉट वगैरह के जो ढक्कन होते हैं, वो आराम से लगा सकते हो, या फिर आपको चाकू है या फिर चॉपिंग बोर्ड, ये सब भी आप लगा सकते हो। माइक्रोफाइबर क्लीनिंग ब्रश आपको दिखा रही हूँ, जो कि आपको 260 रुपये में मिल जाएगा, काफ़ी लॉन्ग हैंडल का होता है, स्टेनलेस स्टील का हैंडल है, जिससे आप एसी, फ्रिज या फिर और कोई वॉल्स अगर आप साफ़ करना चाहो तो आप साफ़ कर सकते हो। माइक्रोफाइबर का ब्रश होता है, जो कि आप काफ़ी अच्छे से फोल्ड करके भी रख सकते हैं।
एंड यहाँ पे आपको आई लाइट प्रोटेक्टर मिल जाएगा। प्रोटेक्टर टेंट टाइप का बना हुआ होता है जो कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। इसमें आप अपने फ़ोन वगैरह को फंसा के लगा सकते हो, अगर आप अंदर ही इसके अंदर सर करके सो रहे हो ना तो आप उसमें फ़ोन भी देख सकते हो। मॉप क्लीनर विद बकेट दिखा रही हूँ, बकेट आपको दो लेयर की मिल जाएगी जिसमें आप या फिर आपको डिस वगैरह फिर पानी वगैरह जो भी आप रखना है दोनों साइड में आप रख सकते हो। और ये लॉन्ग हैंडल का बहुत ही बढ़िया मॉप होता है जिससे आप काफ़ी दूर तक भी सफाई कर सकते हो फ्लोर वगैरह की, बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, जहाँ भी आप करना चाहो। एंड यहाँ पर मैं आपको जिप लॉक फूड बैग्स दिखा रही हूँ जो कि आपको पूरा सेट मिल जाता है। इसमें 20 पैकेट्स आपको मिलती हैं, रिव्यूबल वाली होती है, जिप लॉक होती हैं जो कि आप फूड वगैरह रख के काफ़ी अच्छे से इसमें सेव कर सकते हैं अपने फूड को, और फूड भी अच्छे से रहता है, सेफ रहता है। और इसमें आपको स्टिकर मिल रहा है जिसमें आप नेम भी लिख सकते हो। लॉन्ड्री बास्केट दिखा रही हूँ, 3 लेयर्स का है ये फोल्डिंग लॉन्ड्री बास्केट है जो कि आपको व्हाइट कलर में मिल जाएंगी। इसके साथ आप दे सकते हो व्हील्स भी इसमें लगी हैं जिसमें आप इधर से उधर कॉर्नर में भी ले जा सकते हो इस बास्केट को। रोटेटेबल वाली होती है सो इसमें काफ़ी सारे आप लॉन्ड्री के पास में कपड़े वगैरह बॉटल्स वगैरह कंटेन करके रख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बालकनी मैट दिखा रही हूँ, जिप लॉक इंटरलॉक वाली ये बालकनी नेट होती हैं जिसे आप अगर फ्लोर पे भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर दिखा रही हूँ, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब आप ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये ग्राइंडर ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स के साथ भी मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप घर के मसाले वगैरह भी इसमें पीसना चाहें ना तो आप रेगुलर के लिए भी इसमें पीस सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। यहाँ पे मैं आपको क्लॉथ वॉशिंग बैग दिखा रही हूँ जो कि आपको पूरा सेट मिल रहा है 399 रुपये का। एक छोटी सी बैग भी मिल रही है बहुत अच्छी सी, लॉन्ड्री वगैरह के लिए आप कपड़े वगैरह धुलते हो तो आप ये बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी बैग्स के अंदर आप अपने कपड़ों को लगा के काफ़ी अच्छे से वॉशिंग मशीन में डाल के धुलने के लिए लगा सकते हैं। एंड गाइज यहाँ मैं आपको स्ट्रेचेबल लिड्स कवर दिखा रही हूँ, सिलिकॉन के होते हैं, 179 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, जितना बड़ा बाउल उतने बड़े में आप ये वाली कवर लगा सकते हो। इससे ना अगर आपकी लिक्विड वाली फूड भी है तो वो भी नहीं गिरता है, एंड इसमें काफ़ी अच्छे से आप फूड वगैरह को कंटेन करके कर सकते हैं, चिपक जाता है ये अच्छे से, सो आपको पूरा सेट मिल जाएगा इसका। एंड गाइज यहाँ मैं आपको फोल्डेबल स्टोरेज स्टूल दिखा रही हूँ, ये इसमें आप कपड़े रख सकते हो, टॉयज वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फोल्डेबल वाली होती है सो इसमें अगर बैठना चाहो या चढ़ना चाहो ना तो भी आप इसमें चढ़ वगैरह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। अगर इसमें आप फूड वगैरह रखते हैं तो आप फूड भी रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाली होती है। कॉर्नर रैक दिखा रही हूँ, मेटल की बनी हुई 265 रुपये की आपको मिल जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर होती है। इसमें तो आपको छोटी लग रही होगी बट ये बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका, और ये काफ़ी डिज़ाइनर होता है जो कि आप अपने बाथरूम की कॉर्नर में लगा के काफ़ी अच्छे से बॉटल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। 199 रुपये की आपको बैग सीलिंग क्लिप दिखा रही हूँ, क्लिप बहुत बढ़िया है, जैसे आपने कोई बड़ी पैकेट्स खोल दिए अब आप वो सीम जाती है इसलिए आपको एक क्लिप मिल जाएगी जिसे आप सील कर सकते हो दोबारा से, और काफ़ी बढ़िया होता है जिससे आपके फूड वगैरह को प्रोटेक्ट और सेफ रहता है। एंड गाइज यहाँ मैं आपको बॉटल स्टोरेज दिखा रही हूँ, 3-in-1 बॉटल स्टोरेज है, ये पूरा स्टैंड आपको मिल जाएगा, बॉटल्स नहीं आपको स्टैंड मिलेगा जिसमें आप 3 बॉटल्स एक साथ लगा सकते हो जो कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया, कहीं आप घूमने वगैरह जा रहे हो तो आपको अलग अलग बॉटल्स रखनी पड़ती हैं जिससे बहुत ज़्यादा भर जाता है बैग, सो आप ये वाला स्टैंड ले सकते हो। एंड गाइज यहाँ मैं आपको हीट रेजिस्टेंस क्लिप दिखा रही हूँ, सिलिकॉन का बना हुआ होता है, चाहे जितना भी गर्म आप इससे को फ्राई कुछ कर रहे हो उससे पकड़ें ऑमलेट वगैरह आप इससे बना सकते हो, काफ़ी अच्छे से जलता भी नहीं है, और इसमें आप मोमोज वगैरह आप बनाते हो डंपलिंग्स वगैरह सो आप इससे काफ़ी अच्छे से पकड़ सकते हैं। सीरियल डिस्पेंसर आपको मिल जाएगा, ये पूरा आपको 8 लेयर का मिलता है जिसमें प्रेसिंग बटन रहता है, प्रेस करके बटन से आप कप में जो है उसमें कोई भी सीरियल्स वगैरह निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके की इसमें दाल वगैरह भर के रख सकते हो जिसमें आपको कप भी साथ में मिल रहा है। एंड गाइज यहाँ मैं आपको सीजनिंग बॉक्स दिखा रही हूँ, 229 रुपये का आपको मिल जाएगा, 4 लेयर होती हैं जिसमें अलग अलग तरीके के स्पाइस सॉल्ट वगैरह आप रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है जिसे आप धुल भी सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा आपको 2 के सेट में मिल जाएगा। 3 के स्टेप में आपको लेटर दिखा रही हूँ जो कि 3 स्टेप का होता है और बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, बड़ी छोटी अलमारियों पे अगर आप साफ़ सफाई करते हो या फिर आप कोई सामान वगैरह उठाते हो सामान रखते हो तो उसके लिए लेटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक हीट केटल दिखा रही हूँ जो कि ग्लास
जार टाइप का बना है एंड ये इलेक्ट्रिक वाला है। सो आप इसमें बॉईल वगैरह कर सकते हैं फूड को, यहाँ तक कि आप टमाटर वगैरह भी अगर आप इस पर बनाना चाहें ना, बॉईल करना चाहें तो आप बॉईल कर सकते हैं। फोम मेकर आपको मिल जाएगा, ये फेस वॉशिंग फोम मेकर होता है। सो आप इसमें लिक्विड वगैरह डाल के काफ़ी अच्छे से फोम कर सकते हैं और फोम बना के आप इसमें अपने फेस को काफ़ी अच्छे से साफ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। एंड यहाँ मैं आपको सिविल फोल्डिंग हैंगर दिखा रही हूँ, जो कि आपको 150 रुपये का मिल जाएगा। इसमें आप कई एक एक हैंगर में कई सारे कपड़े लगा सकते हो, यहाँ तक कि स्पेस सेविंग वाला भी होता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फोल्ड हो गया और एक ही हैंगर में कितने सारे कपड़े आ गए। बेडशीट टाइट फिट क्लिप्स दिखा रही हूँ, जो कि आपको पूरा 20 का पीसेस में मिल जाएगा और ये आपको बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे बेडशीट की जो कवर होती है वो उलझ जाती है, सो आप इस क्लिप का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं। टाइट हो जाता है बेडशीट और उलझता भी नहीं है, सो काफ़ी बढ़िया आपको प्राइस में मिल जाएगा। एंड गाइज, यहाँ मैं आपको वुडन का मिरर स्टैंड दिखा रही हूँ। स्टैंड के साथ आपको पूरा मिरर मिल रहा है, जिसमें वुडन का पूरा सिस्टम दे रखा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, रोटेटेबल भी होता है। स्टडी स्टेबल मिल जाएगा लैपटॉप वगैरह चलाने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ तक भी आप इसमें लैपटॉप फ़ोन वगैरह भी लगा सकते हो, उसका भी आप इसमें स्पेस दिया रहता है। नीचे आपको ट्रे दी रखी होती है, जिसमें आप पेन पेंसिल वगैरह भी रख सकते हो। वेजिटेबल पीलर आपको मिल जाएगा ये पूरा कटर, एंड इसमें ना आप अपने वेजिटेबल्स को पील करके काफ़ी अच्छे से छिलका वगैरह अलग निकाल सकते हो। छिलका एक ही साथ आ जाता है, सो इसे अलग अलग डालने का ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट प्रोडक्ट है स्टीम आयरन, ये आपको बहुत बढ़िया स्प्रे वाला स्टीम आयरन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। सो आप इसमें लिक्विड भर के काफ़ी अच्छे स्प्रे टाइप का यूज़ करके अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है। सो गाइज, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर